हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके डालिम बर्धमान से। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक गुड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। जो वेस्ट बंगाल बांकुड़ा में एक बिग सेमिनार होने वाला है और इस सेमिनार में एसके सोनी सर आ रहा है। फरवरी महीने में 12, 13, 14 इस डेट में ये प्रोग्राम होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द सीट बुकिंग करा लीजिए। जो जो टेक्नीशियन इंटरेस्टेड है, आप लोग जल्द से जल्द आपका खुद का सीट बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि बार बार एसके सोनी सर बांकुड़ा में नहीं आएगा। तो आप लोग इस ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। आप लोग आइए और यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल होगा, तो लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लीजिए। चलिए, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके डालिम वर्धमान से। दोस्तों, आप देख सकते हो ये 26 इंच का एलजी का सेट है और इसमें मैंने पावर दे चुका हूँ और ये नो डिस्प्ले में है। अभी देखिए, बैकलाइट जल रहा है। ये देखिए, बैकलाइट इसमें जल रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो इसमें फॉल्ट क्या है। तो ये जो इस सेट में जो काम करेगा, अविनाश काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसमें फॉल्ट क्या है, वोल्टेज वगैरह सब देखेंगे हम। और समटाइम क्या है होता है, जो टेक्नीशियन सोचता है जो नो डिस्प्ले का मतलब जो है पैनल खराब है, लेकिन नहीं, आपको देखना है जो पैनल खराब है क्या, मदरबोर्ड खराब है, पैनल वीसीसी जा रहा है क्या नहीं, ये सब बारी बारी चेक करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अविनाश देखा, सबसे पहले हम देख लेंगे जो ये जो पैनल का वीसीसी यहाँ पर जा रहा है क्या नहीं। तो ये देखिए, ये पैनल वीसीसी यहाँ पर ये नहीं है। तो दूसरी बात ये है, जो हम ट्रेस करके देखेंगे जो पैनल वीसीसी यहाँ पर जो मॉस्फेट लगा हुआ है इसका ड्रेन में देखेंगे, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और इसका पास में जो ये आप देख सकते हो, जो एक बक कन्वर्टर है जिसमें रेगुलेटर से, तो ये सेक्शन जो है ये इसमें 19 वोल्ट 19 वोल्ट इनपुट होता है और 12 वोल्ट निकल के पैनल में जाता है। तो ये देखिए, इसका 19 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर दिखाओ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं निकल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट निकल नहीं रहा है, बट इसमें 2.4 वोल्टेज आ रहा है ना। तो इसमें क्या है, जो ये जो कॉइल से, ये कॉइल का जो फिल्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर में सम टाइम क्या है, जो कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो कैपेसिटर खराब है कि नहीं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा एंड तक देखिए वीडियो।
यहाँ पर हम ये जो कैपेसिटर है इसमें ये कैपेसिटर हम यूज करूंगा। ठीक है, हम ये कैपेसिटर लगाते हैं। हम ये जो नो डिस्प्ले का फॉल्ट होता है, कभी कभी पैनल में दिक्कत होता है और कुछ कुछ सेट में जैसे कि भी पैनल VCC नहीं जाता है, ऊपर 12 वोल्ट नहीं जाता है, तो इसमें दिक्कत आता है नो डिस्प्ले में। तो ये हम कैपेसिटर चेंज कर दिया, अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कैपेसिटर खराब था, इसमें 12 वोल्ट आ चुका है पोपर, है ना। और पैनल में दिखाओ, यहाँ पर LVDS में यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ चुका है। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा पिक्चर बना के नहीं। जी दोस्तों, आप देख सकते हो ये ओके पिक्चर बन गया, इसका रास्टर आ चुका है। तो आई थिंक आपको पता चल गया जो इसमें पैनल का कोई फॉल्ट नहीं था, इसमें सिर्फ पैनल का जो VCC है 12 वोल्ट इसमें नहीं जा रहा था। और यहाँ पर जो यूज़ हुआ है जो कैपेसिटर, वो कैपेसिटर खराब था। तो आपको भी ऐसा काम करना है, चेक करके करके बारी बारी। तो ये वीडियो आपको शायद बहुत अच्छा लगा है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।